और दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवालों का संकलन। एक लाइन में सारे सवाल होंगे, तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखेंगे। सबसे पहले तो हांगकांग में स्वतंत्रता समर्थक राजनीतिक दल को प्रतिबंधित किया गया है, ये देख सकते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन की पहली बैठक 2 अक्टूबर को होगी। भारत और मोरक्को ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हवाई समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये याद रखिए दोस्तों, भारत और मोरक्को ने किस पे हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक तंगी से उभरने हेतु मिनी बजट पेश किया है, ठीक है। और जर्मनी में विश्व की पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन का सफल परीक्षण। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, 100% आगामी एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था, जो इंडियन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करेंगे, दिल्ली में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। और इसके अलावा सरकार द्वारा देना बैंक यानी कि 3 बैंकों का विलय तो पूछा जा सकता है एग्जाम में। हाल ही में सरकार ने किन 3 बैंकों के विलय प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को विलय किया जाएगा। केंद्र सरकार ने रुपए की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए 5 उपायों की घोषणा की। और केंद्र सरकार द्वारा जनधन योजना जारी रखने और ओवरड्राफ्ट सीमा दुगनी करने की घोषणा। और यहां पर सरकार ने कारीगरों की मजदूरी 36% से अधिक बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की है। यह अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अब राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के कुछ सवाल ले लेते हैं। सांसदों और विधायकों को वकालत करने से रोक नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम 49 के तहत वकालत पर रोक केवल ऐसे लोगों पर है जो वेतन प्राप्त पूर्णकालिक कर्मचारी हैं और विधायक या सांसद इसके तहत नहीं आते। आयुष्मान भारत योजना के बारे में, और 15 लाख कक्षाओं को डिजिटल बनाया जाएगा, प्रकाश जावड़ेकर का ये स्टेटमेंट है। और भारत में एक सर्वे किया गया है कानून मंत्रालय के अंतर्गत, तो 10 लाख की आबादी पर केवल 19 जज हैं। तो पूछा जा सकता है कि भारत में 10 लाख की आबादी पर कितने जज हैं? तो 19 जज हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया है रांची से, 23 सितंबर को किया था। अब यहाँ पे कुछ खेल के सवाल ले लेते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2018 की घोषणा। तो स्टार परफॉर्मर के भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और स्टार वेटलिफ्टर मीना चानूबाई के नाम की सिफारिश की गई थी, ठीक है। पूर्व कप्तान सरदार सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया है। और ये बेहतरीन सवाल यहाँ पे, नाओमी ओसाका ने US ओपन का खिताब जीत लिया है, ठीक है। इसके अलावा नोवाक जोकोविक ने 14वां ग्रैंड स्लैम, ये ग्रैंड स्लैम और US ओपन से एक सवाल पक्का आता है। और भारतीय तेज गेंदबाज रुद्र प्रताप सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। अब ये यहाँ से पारिस्थितिकी पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर्स है। तमिलनाडु सरकार द्वारा नील कुरंजी पौधे के संरक्षण की घोषणा, ठीक है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु कार्बन टैक्स जरूरी, विश्व बैंक। और विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सफाई अभियान ओशियन क्लीन अप आरंभ, ये पूछा जा सकता है आगामी प्रतियोगी परीक्षा में कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सफाई अभियान ओशियन क्लीन अप, ठीक है। गंगा विश्व की सबसे संकटग्रस्त नदियों में से एक, WEF की रिपोर्ट है। इसके अलावा 2030 तक बैंकॉक का 40% हिस्सा डूब सकता है विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। दोस्तों अब विज्ञान और तकनीकी के सवाल ले लेते हैं। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में ग्रास नली विकसित करने में सफलता हासिल की है। तो वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम ग्रास नली के विकास से जन्मजात दोष जैसे एसोफेजियल एट्रेसिया, इसिनोफिक एसोफेगेटिस और बैरेट मेप्टालेसिया के इलाज का लाभ हो सकता है। और जापान ने पृथ्वी से 30 करोड़ किलोमीटर दूर एस्टेरॉयड पर उतारे 2 रोबोट। और जापान के अरबपति युसाकू माएजावा स्पेस में जाने वाले विश्व के पहले प्राइवेट पैसेंजर, बेहतरीन सवाल यहाँ पे 100% आएगा कि विश्व के पहले प्राइवेट पैसेंजर कौन है जो अंतरिक्ष में जाएंगे? तो जापान के अरबपति युसाकू माएजावा ये पहले इंसान होंगे। तो इसरो ने 2 ब्रिटिश उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। और INMAS ने स्वदेशी एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट तैयार की। तो दोस्तों ये आपके सवाल थे।
डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इनमें से 2 या 4 सवाल पक्का आपकी आगामी एग्जाम में आएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।